अधर्म को नाश हो। ओ दे ओ टांग दे ओ भोरहम है काबर बड़े बिहनियल योगा करते ओ कहा थे हे बाबा रामदेव दोनों हाथ लटांग देव कहा बोल बाकी वृंदावन बिहारी लाल की कहने का धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का गौ हत्या केहे भल्ले होहिगा गौ हत्या और कुकरी हत्या कौन चालू करो कहते हैं काबर यहाँ सब चालू है सावन चला था भी है ने बहुत ही बड़े सौभाग्य के बात है सज्जनों आज धन्य है आप मन के पावन पवित्र विचार अब आज धन्य है धरती के माटीला आज देखो संत शिरोमणि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस अबे बात ला आप जम्मो जन जानत हो बताए क्या आवश्यकता नहीं है कावर रामायण ऐसे ग्रंथ है जिला हर जीव पढ़ते हर जीव सुनते अवला हर जीव समझते कावर इला हमर इंडिया बस में नहीं पढ़े अपितु आल इंडिया में पढ़े जाते ईसन ग्रंथ ला सज्जनों अब रामायण की रचना कौन करे बात ला आप जम्मो जन जाना थो ने कौन करीस कौन बताही हाँ बता भैया वेरी गुड जोरदार ताली बजाओ कौन करीस वाल्मीकि ज्ञानी जी महाराज द्वारा रामायण की रचना हो जेकर हिंदी रूपांतरण करेगी इस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिला बोलेगी इस रामचरित राम माने होते परमात्मा च माने होते और रीत माने होते नियम जेकर से बनते रामचरित अवे रामचरित नौ अक्षर ल मिला के बनाए गए हैं भगवान के जन्म भी नवमी तिथि मा हो है पावन पुनित महीना जिस समय में जोग नक्षत्र जते राशि है सब एक जगह सक लागे रही से ऐसन प्रभु के महिमा के गुण लगावत गावत आज 33 कोटि देवी देवता थक गए वेद शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण जो है ये राम के पार लनी पाहे तब मैं तो एक कलयुग के अबोध बालक हूं आप मन राम कथा लका सुना सकूं मोर में होते योग्यता नहीं है बुद्धि नहीं है कि आप मन राम कथा मरी जा दू काबर जौन राम के पार ला से सारद नहीं पाहे और राम के गाथा मा मोर से गलती होना स्वाभाविक बात है तो निवेदन चाहता हूं आप जम्मो जन से हमर गीत संगीत व्याख्या में कोनो भी प्रकार के त्रुटि होते है तोला छोटे से लेकर समझ के सवास लो और जौन ज्ञान के बात है सार के बात है इला अपन जीवन में अमल करे के प्रयास करिन तब कहीं जाके मानव तन के सार्थकता हो सकते आओ चर्चा करबो रामचरित मानस के अंतर्गत द्वितीय सोपान अयोध्या कांड अयोध्या अयोध्या काला कथे भैया हो अयोध्या काला किथे हो दीदी हो काला कथे अयोध्या हो नहीं जानो अयोध्या अयोध्या कथे नहीं का लेना इतना सिंपल सी बात तो नहीं जान सके काला कथे अयोध्या अ माने होते आराधना यो माने होते योग ध्या माने होते ध्यान या माने होते याचना जेकर से बनते अयोध्या इही लगो साईं जी महाराज अवध घलो की ही अवध काबर की ही सोही तनिक विचार करो अवध नामे से स्पष्ट है जहां कोई जीव का वध न हो उसे ही अवध कहा जाता है यहां कईयो मर्डर हो है नहीं काबर कलयुग
आओ चर्चा करबो दोहा नंबर 323 में गोसाई जी महाराज बढ़िया भाव लिखते। आओ तनिक चिंतन करिन मनन करिन मानस के प्रेमी श्रोता सुन समाज। जैसे जैसे धरती मां पाप के भार जो है बाढ़े लागते, धर्म जो है घटे लागते, धर्म के वृद्धि होए लागते, तब तक प्रभु जो है नर लीला करे बरे धरा धाम में अवतरित होए लागते। आज देखो वही नर लीला करते हुए आप सबला हम त्रेता युग के गाथा में जोड़े बर जाते हैं। और त्रेता युग ऐसे युग है सज्जनों जहां धर्म धुरंधर के नाम से जाने जाए महान प्रतापी राजा। आप जम्मो जानत हो वो बात ला। त्रेता युग के राजा कौन रिहिस कौन बताओ, कौन बताओ जी? आप सबसे सवाल है त्रेता युग के राजा आए कौन, कौन रिहिस भैया हो? त्रेता युग के राजा कौन रिहिस है नहीं जानो? तुमन जानतो दीदी हो है? कौन कौन जानते त्रेता युग के राजा का नाम? कौन नहीं जानो है? लेन बोलना का हाथ उचात रहेगा। हाँ त्रेता युग में कई राजा हो इसे हाँ जेकर कुल के वर्णन सदियों से चले आते। कौन से कुल? रघु के कुल। आज देखो त्रेता युग में भी राजा हो इस महाराज दशरथ। दशरथ जेकर नामे से स्पष्ट है दशरथ। अब यहां कहियो दशरथ नहीं है, यहां दशरथ नामे बस के दशरथ है। यहां दशरथ रोज करते कसरत, कभू ये जगह पड़े तो कभू वो जगह पड़े है। कावर मोह में राम राम संध्या विहिनिया सौ ग्राम कथे यहां दशरथ। कावर दुनिया जो है नशा में चलते, कोनो लाल में चलते तो कोनो प्लेन में चलते है नी? काबर पता नहीं जी वो कौन सा नशा करता है। काबर दुनिया कलरफुल है नशा में ही चला थे। अब ये भक्ति भी एक नशा। गोसाई जी महाराज एक ही लफ्ज की इसका, अरे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जो सुबह पिए शाम को उतर जाए। मेरे राम नाम की जाम पी लो प्यारे, तेरा जिंदगी ही सवर जाए, तेरा जिंदगी ही सवर जाए, तेरा जिंदगी ही सवर जाए। आज देख वही अवधपुरी के बाद चला थे भगवान राम जी महाराज ला 14 साल ले वनवास यात्रा हो गए। अब वो बीच में महाराज राम के अनुज भ्राता रिहिस कौन, कौन रिहिस ओकर भाई? हाँ इति लवाज जोरदार ताली बजाओ। भरत, जेकर नामे भरत, भ माने होते भगवान, रत माने होते लीन रहना रास्ता, भगवान की रास्ता में लीन हो वही भरत है। यहाँ कईयो भरत है, कोनो रुपया पैसा ला धरत है यहाँ भरत है, कोनो सोना चांदी ला भरत है, कोनो जमीन जायदाद बर लड़त है, कोनो घर घर लखड़त है, ऐसा ने कलयुग के भरत है। अब हम कौन भरत के बात करत हन? ओ भरत जेकर भाई के बिना राम के बिना एक मुंह के निवाला एक अन्न जो है ये जीवा में प्रवेश नहीं करे, ओ भरत। गोसाई जी महाराज लिखी से दोहा नंबर 323 में, सुनी सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोल दिनु साधी, सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि, बैठारे निरुपाधि। आज देखो भरत महाराज भगवान राम ल मनाए बरगी से, लेकिन भरत असफल हो गए। कावर गोसाई जी लिखी का, भरत चले चित्रकूट राम को मनाने।
बढ़िया भाव की है। भरत ए सोचिस कि भगवान ए अवध ल छोड़ के गए है, लेकिन मैं ओला लाभ ही सकता। और गीस तक ऐसा गीस भरत जो है एक साधु के भेष में गीस है, नंदी ग्राम में विश्राम करेगी से आवाज भगवान के चरण पादुका ला पकड़ के केवल भरत ला वही सम्मान मिलेगी से आवाज वही गाथा ला तुलसीदास जी महाराज सन समाज ला बताए लागत है। सज्जनों अब का बताते आप प्यारा सी भजन के आनंद लेबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। सियावर राम उमापति महादेव की जय जय। पवन सुत हनुमान की जय।
ठाकुर के राजा तुम्हारी हो ही रे। आज राम लखन सीता के बिनाई हो ही रे। आज राम लखन सीता के बिनाई हो ही रे। आज राम लखन सीता के बिनाई हो ही रे। आज राम लखन सीता के बिनाई हो ही रे। आज राम लखन सीता के बिनाई हो ही रे। आज राम लखन सीता के बिनाई हो ही रे। आज राम लखन सीता के सियावर राम राजा राम चंद्रदेव की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।